हेलो एवरीवन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के साइंस में अपन ने फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका पहला वीडियो अपन डाल दिया। सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो है अपना संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर ठीक है नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो ध्यान रखना किस तरह से दो उत्पाद बनेंगे। जो एक तो मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है, और ले लिया जल यानी H2O ठीक है। तो इसमें ये तो अपना सॉलिड है और ये क्या लिक्विड है, इससे क्या बन रहा है CaOH2 यानी ये इसको अपन बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना यानी एक यौगिक बना दिया उसने, नया उत्पाद बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, ठीक है, तो यानी और इसे कह सकते अपन जैसे एक कार्बन है सॉलिड है वो ठीक है, और ऑक्सीजन है और गैस है। ठीक है, ये कार्बन क्या है सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है गैस है। ठीक है, अपन इसे संबोधित कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है CO2 बना रहा है यानी क्या बना रहा है गैस बना रहा है। तो एक नया उत्पाद बन गया, तो अपन कह सकते हैं दो यौगिक से मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना। तो CaOH2 का अगर CO2 से अभिक्रिया कराएंगे ठीक है, तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि अगर जब दीवारों पर अपन बुझाओ चूना को दीवारों पर करते हैं तो CO2 उसके संपर्क में आती है, संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही दीवारें क्या हो जाती है चमक जाती है। ठीक है, और इसमें से जल क्या होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पर इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं एकल अभिकर्मक ले लिया मैंने सिल्वर ब्रोमिन AgBr2। ठीक है, एकल अभिक्रमण लिया तो ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करेगा और क्या होगा 2Ag+। ठीक है, और क्या होगा ब्रोमिन गैस आगे निकल जाएगी Br2 यानी उड़ जाएगी। ठीक है, 2Br2। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया से समझते हो कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमीन में क्या होगा कि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एकल है यानी एक ही अभिकर्मक और टूटकर वो क्या कर रहा है दो उत्पाद दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एक और अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3। ठीक है, CaCO3 लिए सॉलिड है ये। ठीक है, उष्मा से इसने क्या करा उष्मा से अभिक्रिया करा और क्या बनाया CaO ठीक है प्लस CO2। ठीक है, देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व के यौगिक या विलयन से विस्थापित करना ही विस्थापन अभिक्रिया है। मैं आपको इसको अभिक्रिया से समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने Fe लिया, Fe को अपन कहते हैं आयरन। ठीक है, ये सॉलिड है, S इसलिए बना रहा हूं Fe है इसका, S इसलिए बनाता हूं ब्रैकेट में क्योंकि ये सॉलिड है आपको पहचान हो सके। ठीक है, और एक ले रहा हूं विलयन ले रहा हूं मैं कॉपर सल्फेट का CuSO4 का। ठीक है, ये विलयन अपना ठीक है इसको अपन संबोधित कर सकते AQ से। ठीक है, तो ये विलयन है और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है FeSO4। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आयरन सल्फेट का क्या रहा विलयन बना रहे। ठीक है, और इसके साथ क्या कर रहे हैं कॉपर अलग हो रहा है यानी सॉलिड कॉपर अलग हो रहा है। तो आपने देखो होगा कि SO4 क्या हुआ कि यहां से यहां विस्थापित हो गया। ठीक है, यहां से यहां विस्थापित हो गया और क्या बन गया FeSO4 बन गया। ठीक है, और कॉपर बिल्कुल अलग हो गया यानी विस्थापन क्या कहलाता है इस तरह से। देखो जिंक मैंने ले लिया यहाँ पर सॉलिड और कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने विलियन, तो अब देखो इसमें क्या होगा ZnSO4 बनाएगा ये यानी ये यहाँ पर विस्थापित हो गया, इसके साथ विस्थापित हो गया, ये विलियन बना दिया उसने यहाँ पर। ठीक है, जिंक सल्फेट बना दिया और यहाँ पर क्या हो गया कॉपर अलग हो गया। तो ये ध्यान रखना
कि इसमें क्या होगा, विस्थापित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेते हैं अपन द्विविस्थापन। नेक्स्ट अपना द्विविस्थापन, यानी जो तत्व आपस में, दो तत्व आपस में मिलकर एक दूसरे यौगिक से विस्थापित हो जाते हैं, यानी उसका जो होगा पार्ट एक में आ जाएगा, दूसरे का पार्ट उसमें नेक्स्ट में चल जाएगा। अभिक्रिया से मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैंने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया मैंने और बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है, दोनों क्या है, ये विलयन है, दोनों क्या है, न सॉलिड है न लिक्विड है, ये दोनों क्या है, विलयन है, ठीक है। और अब ये क्या हो रहा है, जैसे बेरियम सल्फेट बना रहा वो, यानी ये जो है इसके पास विस्थापित हो जाएगा, और क्लोराइड है इसके पास विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। सोडियम और बेरियम दोनों सॉलिड है, ठीक है, तो अपन लेते हैं बेरियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर SO4, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा अपना, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, और इसमें क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। यानी क्या हुआ कि अपना SO4 कहाँ विस्थापित हो गया, SO4 अपना बेरियम के पास विस्थापित हो गया, और क्लोराइड अपना क्या कहाँ विस्थापित, सोडियम के पास, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ। देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उसको उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, यानी इसमें उष्मा क्या हो रही है, खपत हो रही है, उसकी उष्मा का शोषण हो रहा है, ठीक है, खपत मतलब यानी उसका यूटिलाइज हो रहा है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहती है, कहलाती है। जैसे अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं इसकी, जैसे मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराई तो क्या बना, 2NO, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक है, उसमें उष्मा की, इसको बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी, यानी उष्मा का शोषण हुआ, 2NO बनने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी, नाइट्रस ऑक्साइड बना, ठीक है ना, ठीक है। देखो उष्मा से अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसके पश्चात उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, उसमें उष्मा शोषी में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी, इसमें ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी जो निकलना होता है वो शेपी कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लिए और ऑक्सीजन लिया मैंने, उनको जब अभिक्रिया कराया तो इसमें से क्या बन गया, अपना जल बन गया, पानी बन गया, 2H2O निकल बन गया, और इसमें से कितनी ऊर्जा निकल गई, 136, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें। इसके MCQ भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पूरा चैप्टर फिनिश होगा तब इसके MCQ क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, तो सारे आपको अभिक्रिया समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे अभी भी है ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्प्रेरक का आएगा अपना टॉपिक्स, तो उत्प्रेरक और अपचयन और ऑक्सीकरण में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जब वो आएंगे तब अपन लेंगे इसको, डेफिनेशन वगैरह इसकी सारी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।